आपके हाथ उठे हुए देखेंगे। बोलो मन्नू भैया की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। एक घोषणा करते हैं, वो घोषणा ये है कि जो आठ क्रिया है वो बंद होती है आज के बाद से शनिधाम में। क्या होती है? बंद होती है शनिधाम में। आते आते गड़गड़ाहट के साथ सरसराहट के साथ शनिदेव महाराज के कानों तक जानी चाहिए। एक बात, लेकिन आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दे सकते हैं, वो बात अलग है। हम आपकी चेकिंग भी करेंगे और आपको ठीक भी करेंगे। आप यज्ञ में इस हिसाब से भाग लेंगे और हम संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साधन खोलने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी हमारा। लेकिन चूंकि ये छोटा धाम है, ये बात याद रखें, तो जो आदमी अगले डेढ़ महीने तक आएगा, तकरीबन डेढ़ महीने में हम शिफ्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर हमने यहाँ बिल्कुल मुफ्त कर दिया तो क्या होगा? हम यहाँ भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। टूट एक ही महीने के अंदर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आप ही बता दें शनि धाम से आराम किन किन को लगे हैं, एक बार हाथ उठा दें फिर से। और हम क्यों नहीं संभाल पाएंगे भीड़ को, इसका वास्ता ये तुम खुद देख लोगे। अब समझ में आता है हम भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे ना। हाँ, इसलिए तब तक 2100 रुपए की बलि होती है जब तक हम डेढ़ महीने में वहां पहुंच नहीं जाते। तो आप लोग आठ क्रिया की बजाय 2100 रुपए की बलि कराएंगे, शनि धाम में निर्माण के लिए दान करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं वो नहीं, जो लोग पहले अपनी क्रिया करा चुके हैं और उनकी क्रियाओं से ही शनि धाम जो है नवनिर्मित हो रहा है, शनि धाम बन रहा है। उसके बाद से आपको यहाँ से जाने के बाद जब दूसरे धाम में आप पहुंचेंगे तो आपको केवल सामग्री का पैसा देना है, वो भी केवल 8 बार आप दे सकते हैं। जिनको तीव्रता होगी अपना काम कराने के लिए वो अपनी सामग्री ज्यादा दे सकते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति ठीक होने वाला है। क्या होने वाला है? ठीक होने वाला है। हमने सब चीजों के तोड़ निकाल लिए हैं जो वर्ल्ड में कभी किसी के पास ना थे ना हुए और होंगे। तो मनु भैया शनि धाम से जो सीख के जाएंगे उन्हीं के पास वो सारे तोड़ होंगे। पूरे वर्ल्ड में हम कैसे कैसे धाम बनाने जा रहे हैं ये ध्यान रखिए कि लोग बैठ के हवन करेंगे, आप अपनी सामग्री देंगे, वहां परिक्रमा करेंगे और देव दर्शन करेंगे और मंत्र ग्रहण करेंगे। उसी से आपको सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपने पिछले 20 दिन में कौन कौन लोग आए हैं हाथ उठाना जरा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने देखा हो तो मैंने नोटिस किया कि ऐसी भारत की कम से कम 20 कन्याएं या 8-10 कन्याएं जिनको हाजिरियां आती थी, जो अपने आपे में नहीं रहती थी, वो पिछले 20 दिन में बिल्कुल सही हो गई हैं। तभी मैंने निर्णय लिया है कि हमारा जो परिपक्वता है वो संसार में बहुत तीव्रता के साथ, और शनि धाम जैसा धाम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है जिसके लिए मैंने मेहनत की है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धाम है। इस रूप में जो पितृ दोष और प्रेत दोष को संपूर्ण रूप से ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात, आपसे जो लिया जा रहा था वो एक बार लिया जा रहा था, वो बार बार नहीं लिया जा रहा था, ये भी बात है। तीसरी बात, आप वहां जब दूसरा धाम होगा केवल अपनी सामग्री देंगे, वो सामग्री आपको शनि धाम से ही मिलेगी और वो भी बहुत सस्ती मिलेगी, बहुत कम दर पे मिलेगी, लेकिन मिलेगी अच्छी वाली जिससे आप पे देव कृपा हो सके। और वहां यहां बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए यहां आपके आपसे जो लिया जा रहा है वो शनि धाम निर्माण के लिए लिया जा रहा है, और उसमें आप सहयोग भी करें ताकि हमारा निर्माण जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। आपको पता है प्रत्येक निर्माण में आज के इस टाइम में पैसा लगता है और वहां जाके आप संपूर्ण रूप से मुफ्त में ठीक होंगे। और एक बात, जिन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी वो वहां ठहर सकते हैं 4 दिन 6 दिन। और एक बात जो बड़ी बात मैं बता रहा हूं, वहां पर आपकी किसी की भी वीडियो बिना अनुमति के नहीं बनेगी। आपकी जो भी वीडियो बनेगी संसार में, मैंने बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मेरी प्रक्रिया सबसे ज्यादा दम रखती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, इस रूप में,
पितृदोष को दूर करने के रूप में और प्रेत दोष को दूर करने में, और कोई कहता है तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वो आए, वो आकर करके दिखाए और हम करके दिखाएंगे, वरना सबके बीच में बैठ के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व समुदाय के बीच में बैठ के हम आपको करके दिखा देंगे, ठीक है ना? आप चाहें तो अगर कोई इसे हटा ले, बैठ जन से बता दिया रगड़ेगा और क्या कहते हैं अंगूठा। तो अब दूसरी बात ध्यान से सुने, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, हम क्यों दम भरते हैं कि हम ये काम करके दिखाते हैं? तो पूरा ब्रह्मांड में एक अस्त्र की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह हमने ये काम किया है, और इस काम को आप लोगों ने सराहा है। माताओं बहनों के यहाँ पे सर नहीं घूमते हैं, ना हम इस तरह गाने चला के उनको उचक्के और चोरों की तरह उठाते हैं और घुमाते हैं और ये गलत काम करते हैं। हमारा ये प्रचार प्रसार कदापि नहीं था, हमने आपको केवल एक शक्ति दिखानी है और वो यज्ञ की शक्ति दिखानी। अरे क्या कर रहे हो भाई, आपको दिखलानी है, ये यज्ञ की शक्ति है। आप आए 6-7 दिन लगातार यज्ञ के पास बैठे, 8 दिन लगातार यज्ञ के पास बैठे, 8 बार तक की आपकी छूट है, छूट आपकी हमेशा तक के लिए। अपनी चीजों को मूल सहित निकलवाएं। जब आप बैठते हैं यज्ञ के पास तो आप देखते हैं आपकी चीजें खत्म हो जाती है। कल एक लड़की आई थी मेरे पास, वो लड़की सोनीपत से आती है, आज शाम को आएगी। मैं बता देता हूँ, उस लड़की को एक बहुत ताकतवर प्रेत था, MA से ऊपर पड़ी हुई है, और उसका वो जा नहीं रहा था। वो यार लगातार आई 6-7 महीने, मैंने उस पर वर्क किया, वो ठीक हो गई। तो कल वो मेरे 2 दिन पहले वो मेरे बराबर में खड़ी होकर बोल रही थी कि भैया मैंने आपको 1 साल तक गालियाँ दी हैं और आपने सहन किए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा बेटे गाली आपने नहीं दिया, आपके अंदर तो जो भाव है, ठीक है, जो पिता वाला भाव है आपके अंदर, तो जो मुझ में आप पिता देख रही हैं उसके लिए तो आप वैसे ही समर्पित हैं। गालियां आपने दी नहीं कदापि, और जिसने गालियां दी है उसकी गालियां मैंने ली नहीं, क्योंकि गालियां उसी को लगा दी, उसी को ठोक दिया, तेरे शरीर से बाहर कर दिया और सदा के लिए तू स्वस्थ हो गई है। तो 2100 रुपये की बलि आपकी यहाँ होगी, वो भी 1.5 महीने तक, उसके बाद मुफ्त कर दिया जाएगा। आपकी इच्छा होगी कि आप सामग्री से अपना उतारा करवाएं ना करवाएं, और आप यज्ञ में आगे भाग ले सकते हैं, और यज्ञ के माध्यम से हम आपके शरीर से सारी चीजों को निकाल कर बाहर कर देंगे। एक टाइम में आप वर्ल्ड के अंदर सारी जगह समग्र स्थानों पर आप एक यज्ञ कुंड देखेंगे, एक बड़ा खुला मैदान देखेंगे, और वहां पर यज्ञ करते हुए 25-30 लोग देखेंगे जो आपके लिए यज्ञ करेंगे, उनके मंत्र से होती हुई शक्ति उत्पन्न होती हुई देखेंगे। वहां पर लोग ठीक होंगे और ठीक सभ्य तरीके से होंगे, ना कि असभ्य तरीके से। और वो सभ्य तरीका क्या है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, कोई भी खेल नहीं रहा है, जो आज खेलता है वो अगली बार नहीं खेलता, 2-3 बार में सारा खेल बंद हो जाता है, और फिर आप शुद्ध तरीके से अपनी एनर्जी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और एक नई विधि जो हमारी है वो कि जिन लोगों का हमें लगता है कि इनको बहुत लंबा समय लगने वाला है, उनको हम मंत्र ध्यान करते हैं, दीक्षा देते हैं, और वो जैसे ही मंत्र ग्रहण करता है तो 10 दिन तक तो उस पर जोर पड़ेगा, 10 दिन के बाद उस पर किसी भी प्रकार का जोर पड़ना बंद हो जाएगा। जो चीजें उसके शरीर में पवित्र भाव से घुसी हुई है वही चीजें पवित्रता धारण करके उसके अनुकूल हो जाएंगी, और बहुत तीव्रता हमारे मंत्र में आ गई है, इतनी तीव्रता कि यूं कहें तो भक्ति शनिदेव महाराज ने अपनी शक्ति का प्रसार कलयुग में तुम्हारे सामने ही कर दिया है। और वो जो लोग जिनको देरी भी लग रही है आज उनको मंत्र दीक्षा मिलेगी, मंत्र मिलेगा, उसका न्यास सिखाया जाएगा, उनको क्या बोलना है वो बताया जाएगा। इसके अलावा भी जो बहुत सारे लोग आप पर मारण करते हैं उनके मारण की काट बताई जाएगी, और कैसे कैसे जब जब वो आप पर क्रिया करते हैं तो आपको देव दर्शन कैसे हो, देव उपाधि कैसे मिले, आप कर्म कैसे करें, आप अपने कर्मों से इन जाल को कैसे काटें, और उसके अलावा ईश्वर की ओर कैसे उन्मुख हो, और ओम नमः शिवाय ओम का कैसे आप धारण करें, और भगवान शंकर को हृदय में धारण करके कैसे बलात् आप इन सारे जो कष्ट हैं उनको अपने से सदा के लिए दूर कर दें, और वो सारी चीजें आपसे विमुख हों, आपके अनुकूल होकर श्वेत होकर श्वेत वस्त्र धारण करके सदैव आपका साथ देवें, आपके जो है कुल की जो वो हानि कर रहे थे उस हानि के लिए उनको पश्चाताप हो, उस हानि के लिए जो है ना उनको पीड़ा हो कि उन्होंने वो हानि आपको क्यों दी। और इस तरह से हम तांत्रिकों का भी तकरीबन सारा कारोबार बंद करने जा रहे हैं संपूर्ण विश्व में, ताकि लोग ठगे ना जाएं, और जैसे ही हम
बड़े धाम को ग्रहण करेंगे, आपको पता चल जाएगा श्रमेव कि मनु भैया ने इस संसार में आके जैसे पदार्पण किया, जैसे बताया वैसे ही करके दिखाया। आपको यज्ञ की शक्ति, आपको मंत्र की शक्ति और आपको देव शक्ति से परिचित कराया जाएगा जो आपके लिए सदा के लिए अनुकूल हो। तो ईश्वर से जो मांगता है उसको वो वही विदा देता है। कोई चाहता है मुझे स्वप्नेश्वरी मिले, उसको स्वप्नेश्वरी मिल जाती है। कोई चाहता है मुझे यक्षिणी मिले, उसको यक्षिणी मिल जाती है। कोई जो जिस कार्य के लिए प्रयासरत रहता है सदैव, उसको उस कार्य में उन्नति अवश्यमेव मिलती है। भगवान भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन जब तू देवता को पूछता है तो मैं देवताओं में तेरी श्रद्धा कर देता हूँ, तेरा अटूट विश्वास कर देता हूँ और उसी के माध्यम से तुझे दर्शन देकर ललायत करता हूँ कि जब तुम मुझे पूछता है तो मैं मिलता हूँ। तो अनन्य भाव से हम जिसको पूछते हैं वही हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर प्रेतों को, अपने पितरों को पूछते हैं जो सर्वाचित गलत है और उस गलती में वो ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम मुझे, मेरी पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों को नष्ट करने के लिए लगेगा और वो कभी उन्नति संसार में रहकर कर नहीं पाएंगे, शांति कभी उनको इस संसार में रहकर मिल नहीं पाएगी। तो हमें एक तो शांति ग्रहण करनी है, दूसरा मैंने अपना वचन रख दिया, अपनी बात रख दिया। जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं केवल उनकी 2100 रुपए की क्रिया होगी, वो कराएं, स्वेच्छा से कराएं ताकि मंदिर निर्माण हमारा पूर्ण हो सके। अपनी चेकिंग कराएं, चेकिंग भी हम बार बार कर रहे हैं लेकिन सर्वथा ये भी उचित है कि आपको इतनी चेकिंग की आवश्यकता है नहीं, आप बस अपने आप में परिवर्तन देखें, 7-8 बार हवन में आए, यज्ञ में शामिल हों और अपनी कीर्ति फैलवाएं। चेकिंग वाले बैठे हुए हैं, आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं, भीड़ ना करें, भगदड़ ना मचाएं। ये दरबार ऐसा नहीं है जहां आपको भगदड़ मचानी है। मैं सबसे ही तकरीबन मिल चुका होता हूं, सबको मैं पर्सनली जान चुका होता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे देखने में आते हैं जिनको मैं पहचानता हूं अपने धाम में हमेशा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप आते हैं, उनका मुझे भी पता नहीं चलता, ठीक होते हैं अपने घर चले जाते हैं। तो आप ऐसे आइए कि आपका किसी को पता ना चले, ऐसे वार्तालाप करिए कि आपको किसी का आपका किसी को पता ना चले। और दूसरे धाम में भी आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें, सेवाएं बहुत सारी मुफ्त में मिलेंगी और केवल आपका खर्चा होगा अपना खाने पीने का, उसके अलावा थोड़ा बहुत खर्चा आपकी यज्ञ की सामग्री का आएगा, उसके अलावा आप ठीक हो अपने घर जाएं, माताएं बहनें सदा के लिए ठीक हो अपने घर जाएं, अपना व्यवहार रखें, अपनी दक्षता अपनी कुशलता से परिचित हों और जो निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो जो 5 रूप में है, कुपित वायु के रूप में है, वो सारी की सारी आपके शरीर से बाहर जाए। तो उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो निगेटिव है, एक आपको नजर लगना, दूसरा आपको श्राप लगना, तीसरा आपको देव अपराध लगना, चौथा आपके कुपित वायु पितृ दोष लगना, पांचवा आपको प्रेत दोष लगना। प्रेत जो है वही पिशाच है, वो थोड़े दिन शरीर में ठहर जाए, पिशाच आदि का कार्य करता है। बहुत सारी माताएं बहनी ऐसी हैं जिनको काम रूप में वो दबाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रोध रूप में वो दबाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार के रूप में वो दबाता है और वो कभी जो है अपनी भावनाएं आपके अंदर भरता है जो उसके अंदर होती है और आपके शरीर में वो बिंदु रूप में घुसता है, फिर आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वापिस आप यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, छोटे हो जाते हैं। इस तरह से किसी भी साधनाओं में ना घुसे, लोगों के बहकावे में ना आए, दृष्टि भी कोई नहीं खोल सकता है, वो अपने आप खुलती है जब आपका मंत्र प्रसार उतना पहुंच जाता है शरीर के अंदर। तो इसलिए आपको कहीं भी दृष्टि खोलने के लिए या कुछ अलग से करने के लिए कहीं नहीं जाना। आपकी अगर सिद्धि बंद है, शनि धाम में आइए, यज्ञ में बैठिए और यज्ञ में बैठकर आप देखेंगे कि आपकी सिद्धियां भी खुल गई हैं, ओपन हो गई हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, बोलो साबिर प्यारे की जय, जय। आज एक जो अल्लाह के भक्त थे और बड़े ही तपस्वी थे और बड़े ही विज्ञानवान थे और बड़े ही एक कला में धनवान थे कि उसकी प्राप्ति के लिए वो धनवान थे, जिनका जीवन बड़ा सुदृढ़ था, जो पके हुए फल की तरह बचपन से रहे और जिन्होंने संसार को बहुत सी व्याधियों से दूर किया, उनकी व्याधियों से नष्ट किया और आज भी भारतवर्ष में उनकी जो हस्ती है वो बड़े बड़े संतों के रूप में गिनी जाती है, वो है हजरत अलाउद्दीन अली अहमद मखदूम साबिर पियाजी, जो भारत के श्रेष्ठ संतों में आते हैं, उनके गुरु भी भारत के श्रेष्ठ संतों में आते हैं, जिनका जो उनके मामा गुरु हैं बाबा फरीद
जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिक्र होता है और जिनकी वाणियां लिखी हुई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी, तो आज उनका जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर मैंने आपको संतुष्टि लाभ भी दिया है और प्रेरणा भी दी है कि एक धाम जो सबसे उत्तम हो, ऐसा धाम जो हर क्षेत्र में हो और वो हर क्षेत्र में अपनी कीर्ति बढ़ावे, यज्ञ की कीर्ति बढ़ावे, सनातन धर्म की भी कीर्ति बढ़ावे और हर प्रकार से वो सारी ऊर्जाएं जो हमारी परंपरागत चली आ रही हैं वो सारी ऊर्जाएं बढ़ावे। हमारा कोई भी कार्य बिना दक्षता के न पहले कभी होता था। दुनिया का एक ही विश्वविद्यालय सबसे पुराना था नालंदा, और सभी जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी वो बहुत पुरानी थी। भूटान से एक राजा का लड़का आता है, वो कहते हैं कि 800-900 वर्ष पहले मैं यहाँ पे अध्यापक था, और वो अध्यापक का नाम भी बताते हैं, उसको बच्चे पहचानते भी हैं, भारत के अध्यापक का नाम बता के बकायदा बताते हैं कि मेरा ये विषय था, मैं इस विषय को नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। हमारी जो ग्रंथ है, ग्रंथावलियां हैं, वे 20-20, 50-50 हज़ार वर्ष पुरानी और युगो युगो पुरानी है। उनमें भी हमारी जो शिक्षा दीक्षा है वो ऐसी भाषा में है और इतनी दीक्षित भाषा में है, संस्कृत भाषा में है और विशुद्ध भाषा में है, जिसके एक एक शब्द कीर्तिमान रस्ते हैं। तो अपनी परंपराओं से भी सब जुड़े रहे, जो जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म में खोज करे और आगे बढ़े। धर्म बदलने से आप उस धर्म को भी ग्रहण नहीं कर पाते और जिस धर्म की सनातन परंपराओं से आप जुड़े हैं उस धर्म को भी आप खो देते हैं। जैसे लोग बुद्ध को ग्रहण कर रहे हैं और बौद्ध बन रहे हैं, तो इससे कुछ आता जाता नहीं है, क्या नहीं होता? इससे बुद्ध इससे नहीं होती है, सत सत जन्म लक्ष लक्ष जन्म लग जाते हैं बौद्धित्व प्राप्त करने में और बुद्ध बनने में, स्वयं को बुद्ध बनाने में। तो जो सत सत लक्ष लक्ष वर्षों का काम है वो आप क्षण में कैसे पा लेते हैं? आप बस केवल पूजा पाठों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा धर्म मिल जाए जहां आपको कुछ ना करना पड़े, बस ऐसा कभी होता नहीं है। कर्म योग आपको करना पड़ेगा, वो माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, वो आपको हमेशा मिलता है। लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, वो उनका क्रिश्चियन बनना भी सफल नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियन है और जो क्या है, क्रिश्चियनों के देवता है भगवान, कौन है? यीशु मसीह। उन्होंने कर्म योग किया, निष्काम कर्म योग किया, और तो फिर कितने क्रिश्चियन निष्काम कर्म योग करते हैं, कितने क्रिश्चियन अहिंसात्मक होते हैं, वो हिंसात्मक भी होते हैं और निष्काम कर्म योग वो करते नहीं है। आज अमेरिका अगर कहीं युद्ध भी लड़वाता है तो इसलिए लड़वाता है, क्या कहते हैं कि उसके हथियार बिके, और जितने भी ऐसे देश हैं वो देखियो क्या करते हैं, वो अपने व्यापार को ही बढ़ावा देते हैं, उसके लिए छल साम दाम दंड भेद की सभी प्रकार की नीतियां वो अपनाते हैं। तो ना क्रिश्चियन बनने से आपको उसकी उपयोगिता हासिल होती है, ना बुद्ध बनने से आपका बुद्धत्व हासिल होता है आपको, उसके लिए जिसके लिए इतने जन्म लगने हैं वो कर्म। और वो बुद्ध भी कहाँ पैदा हुए हैं? पहले तो सनातनी थे ना, बताइए पहले सनातनी थे कि नहीं थे? बुद्ध तो बुद्ध आने के बाद ही हुए हैं, महावीर जैन तो जैन आने के बाद ही हुए हैं, महावीर जी आने के बाद ही हुए हैं। तो ये देखिए कि आप जो है पूर्ण रूप से ना तो फिर उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। तो अपने सनातन को ग्रहण कीजिए, यज्ञ के माध्यम से चीजें निकालिए, दूसरों को भी बताइए कि यज्ञ जो है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, उसके माध्यम से दुनिया भर की बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जाएं इस पृथ्वी लोक पर रहकर दूर की जा सकती है। इसके लिए आज हम मंत्र दान करने वाले हैं शाम के 5 बजे से, वो लोग भी आए होंगे, अभी कुछ लोग हैं ऐसे जो शाम के 5 बजे की तैयारी करके आए थे, वरना तो वो लोग 5 बजे तक आएंगे। धाम भारी भीड़ से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, अभी हम यज्ञ चालू करेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे का, आप लोगों को बाहर बैठना है, यज्ञ में साथ साथ प्रसाद भी ग्रहण करना है, आपके लिए पूरी सब्जी हलवा बनाया गया है आज बाबा साबिर पिया के जन्मदिवस पर, तो उनके जन्मदिवस की भी आपको बधाइयां। और जो श्रेष्ठ होता है वो हर युग में श्रेष्ठ होता है, हर धर्म में श्रेष्ठ होता है, और धर्म जितने भी हैं ये मन से उत्पन्न हुए हैं सारे के सारे, ये ईश्वर से कदापि उत्पन्न नहीं हुए। अगर ईश्वर से उत्पन्न होते तो ईश्वर फिर अपनी छटा अलग अलग आदमियों को, अलग अलग धर्मियों को अलग अलग तरीके से दिखाता, तो फिर किन्हीं के कान बड़े रखता? भाई ये मुस्लिम धर्म में पैदा हुए इनके कान बड़े हो गए, ठीक है, जो हिंदू धर्म में पैदा हुए उनके सिर बड़े हो गए, ठीक है, जो जैन धर्म में पैदा हुए उनके हाथ बड़े हो गए, तो ऐसे कर देता, आगे ना समझ में। तो ईश्वर की तरफ से कोई धर्म नहीं बना है, ये हमारे मन के अनुकूल बने हैं, उनमें भी बहुत सारे धर्मों का अगर आज आप देखेंगे तो इस युग के अनुकूल वो फैल हो चुके हैं,
क्यों फैल हो चुके हैं कि उनमें शादियों के जो विधान थे वे खत्म हो गए हैं, उनमें आयुओं के जो विधान थे वे खत्म हो गए हैं, उनमें बच्चे की उत्पत्ति के जो विधान थे वे खत्म हो गए हैं। ना तो हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आप दो ही बच्चे पैदा करो, ना मुस्लिम धर्म में ये लिखा है कि आप 100 बच्चे पैदा करो। तो जब तक परिस्थिति के अनुकूल आपकी कोख से संतान उत्पत्ति होती है तब तक आप संतान उत्पन्न कीजिए। सब धर्मों में केवल यही बात लिखी है, लेकिन आज किसी भी धर्म की कोई बात नहीं चलती है। अरे खड़े रहने दे, अभी सब आ जाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? सुन की शनिदेव महाराज की। ये सभी लोगों ने बाहर बैठना है, लाइन से बैठना है, सबने यज्ञ में शामिल होना है। जो पहली बार आए हैं उनका भी आज से ही इलाज होता है शुरू। आपने यज्ञ में शामिल होना है। यहाँ पे वो लोग बैठेंगे जो आपका केवल क्या करेंगे, झाड़ा करेंगे, यानी कि आपको आपके लिए जप करेंगे। उनके जप का भी लाभ लेना है, बाहर यज्ञ का भी आनंद लेना है, साथ में प्रसाद का भी आनंद लेना है। पहली बार वालों को चेक कराना है। उनकी क्षमता है 2100 रुपए की बलि शनिदेव महाराज के मंदिर के लिए जरूर दे, ताकि उनका मंदिर निर्माण में सहयोग लग सके और वो भी इतने भाग्यशाली हो। इसके पीछे का एक कारण भी मैं बता देता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं साधना कर रहा था तो मैंने 9 दिन की साधना एक मंदिर में बैठ के की थी। वहां पर 3 कार्य हुए थे, लेकिन दूसरे दिन क्योंकि मुझे स्वप्न सिद्धि थी, मुझे एक स्वप्न आया कि अब किसको वीरेंद्र सहवाग को टीम से कोई नहीं निकाल सकता। जिस मंदिर में मैं बैठा था वो किसी ने देखा हो तो ये जो गाँव है उस मंदिर में मैंने वो 9 दिन की साधना की थी। वहां से भगवान ने एक बहुत ताकतवर प्रेत को मेरे बहाने से उठाया, यानी कि उसका बर्तन किया, स्वयं प्रकट हुए, मेरी लाज बचाई, मेरी रक्षा की। इसके अलावा जब मुझे सपना दिखाया तो मैंने पंडित जी महाराज से पूछा कि प्रभु मेरा कोई सपना ऐसा नहीं है जो इस तरह का हो, तो मुझे ये चीज दिखाई है, क्यों दिखाई है? तब उन्होंने बताया कि महाराज ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मंदिर जिसका है उसके मित्र वीरेंद्र सहवाग है और उन्होंने इस मंदिर की पहली ईंट रखी थी। तब मैंने सोचा कि जिसने पहली ईंट रखी उसने कुछ ना कुछ अपनी जेब से भी दिया होगा, और जो दिया है उसका प्रतिफल ईश्वर आज दे रहे हैं। आपको तो वैसे भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा निकाल के साथ दे रहे हैं, बाकी सब आप पे छोड़ता हूँ। शनिदेव महाराज की, बोलो शंकर भगवान की।